मी काल केरळ स्टोरी वरनं मराठी चॅनल्सना बाईक दिली होती. त्याच्यात मी डाटा सकट सगळं दिलं होतं की केरळ कसं भारतातलं एक नंबरचं राष्ट्र आहे, राज्य आहे. साक्षरतेमध्ये 96% भारतात जो बाहेरच्या जगातना पैसा येतो त्याच्यातला 37% पैसा केरळात केरळाईट्स पाठवतात. 2.34 लाख कोटी रुपये त्यांनी यावर्षी पाठवले. त्यांचं पॉवर्टी लाईन जी भारताची 22% आहे ती त्यांची 0.76% आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण एकीकडे त्यांच्याकडे 6 आहे तर उत्तर प्रदेशमध्ये 46 आहे आणि आसाममध्ये 42 आहे. साक्षरतेचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. सर्वात जास्त इंग्लिशमध्ये PhD कुठल्या राज्यात झाल्या असतील तर त्या केरळात झालेल्या आहेत. अशा प्रकाराने केरळाने स्वतःचं एक वेगळं अस्तित्व निर्माण केलं आहे, ज्याला समुद्र आणि खाडीचं पर्यटन म्हणतात. ते केरळा इतकं सुंदर कुठेच नाही आहे. केरळाला जगभर देवाचे राष्ट्र, गॉड्स ओन कंट्री म्हणून ओळखलं जातं. आणि त्याच केरळामधनं 32,000 पोरींचं धर्मांतरण झालं आहे असा विकृत चित्रपटाचा प्रोपोगंडा काही पॉलिटिकल पार्टीज करत आहेत. ही विकृती त्यांना का सुचली हे मला कळत नाही. नेमकं निवडणुकीच्या तोंडावरती अशा प्रकारे जातीय द्वेष, धार्मिक द्वेष निर्माण करायचा आणि त्याच्यातनं मतपेट्या भरून घ्यायचा हा एकमेव उद्देश असावा असं दिसत आहे. या सगळ्या त्यांच्या एकंदर जो कर्नाटक आपला केरळचा आलेख आहे त्या आलेखाची तुलना करून केरळ हे किती आदर्श राज्य आहे हे जगाने बघितलं आहे. तुम्ही दिल्लीमध्ये जा, तुम्हाला सगळे सचिव म्हणजे एखाद्या ऑफिसमधले प्रायव्हेट सेक्रेटरी जर तुम्ही बघितले तर तुम्हाला कायम ते एक केरळ म्हणजे मल्लू. एक काळ असा होता की मुंबईत सर्वाधिक जागांवरती मल्लू काम करत होते. आपण मध्य एशियामध्ये गेला तर मल्लूंचा बोलबाला आहे. आपण सिंगापूरमध्ये जा, आपण बँकॉकमध्ये जा, आपल्याला मल्लूंचा बोलबाला सापडेल. मल्याळम लँग्वेज ही सर्वात जुनी भाषा आहे, ती अतिशय अवघड भाषा आहे. आणि केरळाचं महत्त्वाचं हे गोष्ट ही आहे की केरळामध्ये मुसलमान असो, हिंदू असो, ख्रिश्चन असो, तिघही मल्लूच बोलतात, मल्याळमच बोलतात. तिथे दुसरी भाषा बोलली जात नाही, ती त्यांची बोलीभाषा आहे राज्याची. असं असताना 32,000 पोरींनी धर्मांतरण केलं आहे. आपल्या बहिणींबद्दल आपण जेव्हा संशय निर्माण करतो, आपल्या बहिणींना काही अक्कलच नाही असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा ही पुरुषप्रधान संस्कृती किती हवी आहे आपल्यावरती, किती भारी पडते हे आपण दाखवत असतो. आपल्या महिलांना अक्कल नाही आहे का? आपल्या महिला भगिनींना अक्कल नाही की समाजात कसं वागावं? एवढ्या सुशिक्षित महिला आहेत. जिथनं PT उषा आली, पहिलं भारतीय मेडल तिने आणून दिलं आपल्याला, त्या राज्यामध्ये महिलांना अक्कल नाही. तेव्हा ह्याच्या बाबत मी बोलत असताना माझ्या भावना खूप उग्र आहेत की तुम्ही देशाला राज्याला बदनाम करतात जगभरात आणि बेशरमपणाने कोर्टात सांगता. आणि 32,000 नाही ते 3 आहे. तो पिक्चर काल्पनिक फिक्शन होता म्हणून मी 32,000 म्हटलं, लाजही वाटत नाही. आणि त्याच्यामध्ये आपण नेहमी म्हणतो साल्याला थोबाडीत मारली पाहिजे. तसं म्हटलं अरे साल्याला फाशीच दिली पाहिजे असं खोटं बोलतो. त्याचा अर्थ नव्हता. अर्थाचा अनर्थ करून ह्या एका वाक्यावरती जगभर कॉन्ट्रोवर्सी तयार करायची. तुम्ही लोकांनी केरळा हा पिक्चरचं काही महत्त्वच दिलं नव्हतं. नशीब मी हे बोललं म्हणून लोकांना आता हे तरी कळेल की ह्या पिक्चरमध्ये असं आहे. म्हणजे मीडियाला आकर्षित करायचं असेल तर असं काहीतरी बोलायचं तरच मीडिया धावून येते हे आज मला सिद्ध झालं. मला जे म्हणायचं होतं ते म्हणायचं नव्हतं, ते फक्त एक वर्बल आउटबर्स्ट होता, एक असं संतापलेल्या माणसाचा शाब्दिक हल्ला होता तो.
तुम्ही इतकं गांभीर्याने घेतलं फार बरं झालं, मी तुमचे आभार मानतो. की त्यानिमित्त पूर्ण भारताला कळेल, पूर्ण महाराष्ट्राला कळेल की राजकीय पक्ष नेमके करतायत काय. पिक्चर बघा, पिक्चर बघा, पिक्चर बघा सांगतायत का. 32,000 पोरी आहेत का हे सिद्ध करून दाखवा ना. माझा शब्द गांभीर्याने घ्या, पण माझ्या शब्दाला शाब्दिक अर्थ नव्हता. पण किती टीव्हीवाल्यांचे सकाळपासून फोन, अरे बापरे 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 तुमने ऐसा क्यू बोला. अरे ते मी ब्लॉग लिहिलाय, त्याच्यात लिहिलंय मी आंबेडकरांना मानणारा, संविधान मानणारा माणूस आहे. तो शब्दशः अर्थ घेऊ नका. पाय संविधान पायदळी तुडवलं जात आहे म्हणजे काय, खरंच पायाखाली लाथाडतो का आपण. मी साधा प्रश्न विचारतो, नेहमी म्हटलं जातं संविधान पायदळी तुडवलं जात आहे म्हणजे पायदळी म्हणजे काय, पायाखालनं उडवतो की काय फुटबॉल सारखं. तेव्हा तुम्ही पत्रकार जी काय मजा मस्ती करत असता ती करत राहा, पण असे महत्त्वाचे इश्यूज दाखवतही राहा. देखो मैंने बोला आपको कि आप केरल का इतिहास, केरल का, केरल की आज की स्थिति पढ़िए. साक्षरता में वो नंबर वन पे 96% है, भारत का रेट 76% है. बाहर से जो पैसा आता है उसमें का 36% केरल के लोग भेजते हैं बाहर से, उसकी अमाउंट है 2.34 लाख करोड़ रुपीस. जीडीपी केरला का भारत से 60% ऊपर है. मोर्टालिटी लो, बाल मृत्यु का प्रमाण 6 है, उत्तर प्रदेश में 46 है. जीडीपी हो गया, ये हो गया, वो यानी साक्षरता 96% है. बिलो पॉवर्टी लाइन 0.76 है और भारत में 22 है. जीडीपी मैंने बताया 60% ज़्यादा है भारत से. तो ये सब होने की वजह क्या है? वो होने की वजह है कि उन्होंने जो साक्षरता और जो शांति बरताई है वहाँ पे, उसके कारण उसका विकास हो रहा है उस राज्य का. उस राज्य में समुद्र पर्यटन भारत में सबसे अच्छा कहाँ है? केरला में है. खाड़ी का पर्यटन सबसे अच्छा कहाँ है? केरला में है. सदियों से उस राज्य को कहा जा क्या कहा जाता है कि भगवान का राष्ट्र, भगवान का राज्य, गॉड जोन कंट्री. अब वहाँ से चित्रपट निर्माता जो रहता है कहीं उत्तर प्रदेश में, वो आके कहता है कि 32,000 लड़कियों ने धर्मांतरण किया और मुझे उस बात पे गुस्सा आता है. मैं मेरा राष्ट्र और मेरा राज्य, मेरा राज्य केरला से मैं नहीं हूँ पर मेरा ही राज्य, क्योंकि इस राष्ट्र का वो एक हिस्सा है. मैं बात करता हूँ और गुस्से में कहता हूँ कि सर ऐसा कहा जाता है, हमेशा बोलते हैं कि सारा इन लोग लथाड़ रहे हैं हमारे संविधान को. इसका मतलब क्या, फुटबॉल खेल रहे हैं संविधान से? आप पत्रकारों को एक शब्द पकड़ के कॉन्ट्रोवर्सी उठाने की, मैं आपका आभार मानता हूँ, शुक्रिया मानता हूँ कि आपने ये कॉन्ट्रोवर्सी उठा करके कम से कम केरला की असलियत तो बाहर लाई. मैंने जो कहा था वो शाब्दिक गुस्सा था मेरा कि इतनी झूठ बात एक महिलाओं के बारे में एक आदमी कैसा कह सकता है. हमारे महिलाओं को अक्कल नहीं है, हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने भविष्य को नहीं जानती है. हमारे महिलाओं को क्या पुरुषों ने सिखाने की आज भी ज़रूरत है? हमारे पुरुष आज भी महिलाओं को बदनाम करेंगे? जो सदियों से वो करते आ रहे वही काम करेंगे. और इसलिए मैंने कहा, मेरा शाब्दिक अर्थ था, मेरा शाब्दिक हल्ला था, पर ये अच्छा हुआ कि मैंने वो किया. आप लोग सब लोग दौड़ के आ गए. आज 6 दिन हो गए पिक्चर आके, उसका टीजर जो है, टीजर को सेंसर ने सम्मति नहीं दी है. वो आदमी कोर्ट में जाके कहता है वो 3 है, 32,000 नहीं है, वो आप दिखाते ही नहीं है. आप तो सिर्फ मेरे ऊपर आ गए कि आपने क्यों कहा, फांसी क्यों दी, फांसी क्यों दी. अरे फांसी क्यों दी? अरे मैंने तो बोला फांसी देना चाहिए ऐसे आदमियों को जो इतनी झूठ बात करके पूरे राष्ट्र को जलाना चाहते हैं. उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह होना चाहिए कि इतनी झूठ बात वो देश में कैसे फैला सकता है. अंगार लग जाएगी देश में. आपको देश की चिंता है कि उस एक आदमी की चिंता है कि पिक्चर की चिंता है? क्योंकि वो पिक्चर तुमको आग लगाने में मदद करेगा, आग लगाने से आपको वोट मिलेगा, वोट मिल के आप सत्ता पे आ जाएंगे.
तो सत्ता का समीकरण जुलाड़ बांधने के लिए आप कुछ भी करोगे। देखो ऐसा है, ऐसा इसके खिलाफ होने तो किसके भी खिलाफ हो, उससे मेरा कोई लेना देना। बात 3 और 32 हजार की है, आप ये सवाल पूछोगे मुझसे? एक राज्य में 1000 लोग मर गए, हम कहेंगे 1 लाख मर गए। आज मणिपुर में कितने मरे हैं आप दिखा रहे हो टीवी पर? 75% मणिपुर जल रहा है, दिखा रहे हो टीवी पर? कोई बता रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है? सिविल वॉर शुरू हो गया है, सिविल वॉर। कम से कम 20,000 लोग पड़े हुए हैं रास्ते पे, कोई दिखा रहा है? हम कुछ पड़े ही नहीं, हमको कंट्रोवर्सी चाहिए, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। उससे वोट मिलने वाले हैं आप, बाकी भूल जाओ दुनिया को, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान मारते रहो। अरे क्यों लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा करते हो कि 32,000 लड़की आ गई? तुम्हारी बहनों को अक्कल नहीं है क्या? इतनी मूर्ख है क्या वो? किसी एक ने कोई बचपना किया तो पूरे महिलाओं को बदनाम कर दोगे? मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात करनी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लाइन लोग चलाते हैं, वो पॉलिटिकल लाइन उनको मुबारक हो। मैं देश के लिए बात कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आने वाले देश में क्या, आने वाले दिनों में इस देश में क्या हो सकता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा करने के लिए 3 का 32 हजार करना, क्या इसके ऊपर सवाल ये निशान पैदा नहीं होगा? आप लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। उसकी सुंदरता, केरल की सुंदरता, केरल ने की हुई प्रगति, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। केरल कैसा गंदा प्रदेश है ये दिखाने के लिए भागम दौड़ी है। ये सब जगह पे यूज होगा, अभी गुजरात फाइल आएगी, फिर बंगाल फाइल आएगी, फिर उत्तर प्रदेश फाइल आएगी, फिर ये फाइल आएगी, ये फाइल होगी, और भारत की फाइल बंद हो जाएगी। असं मला त्या वादात जायचं नाही, माझं म्हणणं एवढंच आहे की एक बेशरम चित्र काढणारा, चित्रपट काढणारा माणूस कोर्टात सांगतो की ते तीनच आहेत। मी फिक्शनला काल्पनिक ह्याच्यामध्ये मी त्यांना 32,000 म्हणालो। अरे अशा बेशरम माणसाला प्रश्न विचारला नको का की त्याला राष्ट्रपती पदक द्यायला हवं? या पिक्चरला द्या नॉमिनेशन ऑफ द इयर फॉर काय ते कुठलं तो ऑस्कर। आपल्याला आता तेवढंच राहिलंय, काश्मीर फाईल्स तुम्ही ऑस्करला पाठवला, त्यांनी उतरून फेकून दिला। दर इलेक्शनला तर एक फाईल येणार, दर इलेक्शनला। कारण काय, एकदा कळलं की भारताचं राजकारण हे अशा फाईल्समुळे बदलू शकतो की मग ती सवय लागते ना, चला अशा फाईल्स काढत राहा। मैं बैन के खिलाफ हूँ, मैं बैन किसी पिक्चर को नहीं लगाना चाहिए, पर बैन नहीं लगाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बताना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो टीजर चलाया गया वो टीजर सैंक्शन नहीं किया था, और ये पिक्चर में डिस्क्लेमर नहीं है कि ये पिक्चर काल्पनिक है और इसको वास्तविकता में न लिया जाए, ये लगाना जरूर है, वो नहीं लगाया। तो मैं वही बता रहा हूँ, नेता जो है वो हर जगह इसके फ्री शो भी लगा रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको राजनीति ही करनी है, आपको उसका इस्तेमाल करके देश का माहौल ही खराब करना है, हालांकि सच्चाई कुछ अलग है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि विश्व में अपनी बदनामी हो रही है? हम अनएम्प्लॉयमेंट में नीचे जा रहे हैं, परदेशी निवेश में नीचे जा रहे हैं, हमारा यहाँ का GDP खत्म होने तक जा रहा है, हमारा फॉरेन बैलेंस इम्बैलेंस में गया है, सब जगह से हम नीचे जा रहे हैं।
लेकिन धार्मिक तनाव में हम आज दुनिया में सबसे ऊपर जा रहे हैं। हम इतने महान राष्ट्र में बदल चुके हैं कि हमने चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़, अब हम खुद आगे चले गए हैं। इतना महान राष्ट्र है। एक जगह कश्मीर फाइल्स आई थी, अभी ये केरल स्टोरी आ रही है, ऐसे कंट्रोवर्सियल मूवी जो है वो बार बार इलेक्शन के तौर पर आते हुए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन आते ही एक फाइल बाहर आ जाती है। महाराष्ट्र का चुनाव आएगा तो महाराष्ट्र फाइल्स आएगी, नहीं महाराष्ट्र चुनाव आएगा तो मध्य प्रदेश फाइल आएगी, तो महाराष्ट्र पे असर करेगी, तो तेलंगाना फाइल आएगी तो असर करेगी। मेरा सवाल सिर्फ हमारे महिलाओं की बुद्धिमत्ता के ऊपर पूछे गए सवाल के ऊपर है, क्या हमारी महिलाओं को बुद्धि नहीं है? ऐसा आप समझ रहे हो क्या? क्या आप महिला वर्ग को बदनाम करना चाहते हो क्या? वो पुरुषों के हाथों में रहने वाला खिलौना ही होना चाहिए, जैसे मनुस्मृति ने कहा है, वही आप चाहते हो क्या? तो करो महिलाओं को बदनाम, 32 क्यों, 1,00,000 महिला गई, बता दो कौन पूछने वाला है आपको? क्या करे? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करना चाहिए सुमोटो, कि अगर सच्चाई नहीं है तो पहले लगाओ कि ये कहानी सच नहीं है, झूठ है, ये झूठ के आधार पे बनाया हुआ काल्पनिक चित्रपट है। मी तुम्हाला एक साधा प्रश्न विचारतो, महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये माननीय लोढा साहेबांनी आमच्याकडे लव जिहादच्या 1,00,000 तक्रारी आहेत असं सांगितलं, त्याच्यावरती बाहेर येऊन मी सांगितलं त्यांनी 1,00,000 दाखवाव्यात, मी गरीब माणूस आहे, मी त्यांना 1,00,000 रुपये देईन, ते आत्तापर्यंत 10 तक्रारीसुद्धा दाखवू शकले नाही। विधानसभेतला एक जबाबदार मंत्री इतकं खोटं बोलतो कशासाठी? सगळ्यांना जातीय तणाव हवा आहे, धार्मिक तणाव हवा आहे, आणि आम्हाला धार्मिक तणाव नको आहे, आपल्याला शांतता हवी आहे। कारण का लोडा राहतात मलबार हिलच्यात 70व्या मजल्यावर, झोपडं त्यांचं नाही जळणार, ते वरनं सगळे आगी बघू शकतील अशा, अरे वाह लग गई, अरे वाह लग गई, आणि ते एसीमध्ये असणार मस्त तूप भात वगैरे खात, आणि ते गरीब लोक आपले ह्या झोपड्या जोडून धावत आहेत। ही लढाई गरिबांसाठी आहे। सर शाह ने जो फिल्म बनाई है उसका प्रधानमंत्री ने भी तारीफ किया है, ये उन्होंने खुद एक वीडियो वायरल करके बनाया। अच्छी बात है। सर ठाणे शहरामध्ये चांगली गोष्ट है। क्या और कुछ मुद्दे बाकी नहीं है जिस वजह से ये फिल्मों की एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग या ओपन स्क्रीनिंग और टैक्स फ्री करा के लोगों को आकर्षित करने का प्रयास? अगर दुनिया में आपको अंगार का धुआं ही देखना है तो और ऐसी फिल्म्स निकालिए और उसको टैक्स फ्री करवा दीजिए और पार्टियों ने उसको फुकट दिखाने का, मफत दिखाने का काम शुरू कर देना चाहिए। हमको देश में प्रगति देखनी है, हमको देश में राज्यों में झोपड़ियाँ जलती हुई देखनी है, बच्चे मरते हुए देखने, तो हमारा क्या जाता है? जलाओ। सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24